आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। आज की जो क्लास रहने वाली है, महिला बाल विकास के विभिन्न योजनाओं से प्रश्न करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक में, जिसका 27 अगस्त को एग्ज़ाम है। आज आपका 12 अगस्त है, यानी कि आपके पास मात्र 14 से 15 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा रिविजन के साथ। बिल्कुल विभिन्न योजनाएं, नवीन योजनाओं से प्रश्न हम आपको कराएंगे। जितने भी कार्यक्रम जितने भी योजनाएं हैं, वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। टोटल आज जो प्रश्न रहने वाला है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तो बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइप पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। महिला सुपरवाइजर MCQ करेंगे। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें विभिन्न योजनाएं एवं बाल विकास से पूछे गए प्रश्न करेंगे। एक बार रिवीजन करके जाइएगा, ऐसे आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 12 अगस्त है आज, 27 अगस्त को आपको एग्ज़ाम है, मात्र 15 दिन बचा हुआ है। रिवीजन जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फिर पहला, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई है? 12 अप्रैल 2005। सेकंड, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? जननी सुरक्षा योजना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 2013। महिला एवं बाल विकास की स्थापना कब की गई है? 1985। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए हैं? 1985। बाल विकास के जितने भी योजनाएं हैं, महिला कार्यक्रम के जितने भी योजनाएं हैं, बच्चों से जो भी प्रश्न बनते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर लेते हैं, तो कम से कम मैं कहता हूँ यहाँ से आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो ही जाएगा। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए हैं? 1992। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1952 में। कब? 1952। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई है? 1954। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? 1967। 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी आहार मिलना चाहिए? तो 3000 से 3400 कैलोरी मिलनी चाहिए। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है? विटामिन B1। B12 से कौन सी कमी होती है? तंत्रिका तंत्रिकाओं की कोशिका, ठीक है। विटामिन ए से कौन सी कमी होती है? जल्दी से बताइए, रेटिनॉल, ठीक है। तो विटामिन से मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। या फिर वहाँ नहीं मिलेगा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, महिला पर्यवेक्षक क्लिक करना, वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस के तौर पर क्लास मिल जाएगी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तहीनता। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन, है ना, एक युवा जो पुरुष है, प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2000 से 2500 कैलोरी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2005। मैं इसीलिए यह कार्यक्रम क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि बाल विकास, महिला बाल विकास से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कार्यक्रम वगैरह जितने भी नवीन योजनाएं हैं सभी से क्वेश्चन कराऊंगा, सभी का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है, कब आरंभ हुई है, सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, 2005। जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया, 2011। है ना, जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, कार्यक्रम भी करेंगे, पार्ट वन वीडियो, ठीक है। पार्ट वन वीडियो 15 दिन आपका बचा हुआ है, तो 15 दिन में जितने भी बनता है हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन लाने का। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है, कुपोषण। वाणिज्य यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी, उज्ज्वला योजना, ठीक है। कौन सी, उज्ज्वला योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, 2015। याद रखना इस टॉपिक को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015। डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री प्रसार करने का कार्य करता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, एकीकृत बाल विकास सेवा, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित कौन सी योजना के तहत दिया गया है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरएक्टिव बोयोस रिस्पॉन्स मोड आधारित मोबाइल सेवा है जिसे सीधे गर्भवती, हाँ अब यहाँ से देखते हैं, सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फोन गर्भावस्था के और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है, किलकारी। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार और कौन सी योजना कार्यक्रमित की जा रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए कौन सा एक पहल है, कायाकल्प। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को प्रारंभ किया जाता है 2017 में। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, 1997। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना 1957 में प्रारंभ किया गया है, बाल पुरस्कार योजना। कौन सी योजना, बाल पुरस्कार योजना। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना 1997 में प्रारंभ किया गया है, तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ष की लड़कियों के आत्मनिर्भरता को उन्मुख करने के उद्देश्य से कौन सी योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी, किशोरी शक्ति योजना। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और महिला पर्यवेक्षक के लिए खासतौर पर यह वीडियो है ना। हमारे मेहनत को जाया ना करते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इतने मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, लाइक अवश्य कीजिएगा। तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई है, 1985। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष के किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई है, 2010 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5000 रुपये प्रति एवं 5 वर्ष तक के लिए दिए जा रहे हैं, लाडली योजना। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसा कौन सा योजना है जिसके अंतर्गत
परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं। याद रखना, 5 वर्ष मतलब 5,000 दूसरी बेटी के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ अच्छे से क्लियर समझ जाइएगा लाडली योजना। 15 से 45 वर्ष आयु के महिलाओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे हैं? तो समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना कौन सी योजना का उद्देश्य है? समेकित बाल विकास सेवा योजना। फिर देखिए, ये एग्जाम में डबल पूछा गया है, ये आपका किशोरी योजना होगा। देखिए, आपको पहले अभी जस्ट कराया हूँ, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, है ना, किशोरी योजना है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं या माताओं को शामिल किया जाएगा? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो कार्यक्रम है, कौन से अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया गया था? सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2015 में। लाडली योजना कौन सा है? दूसरी बेटी के लिए, जो लाडली योजना है ना, दूसरी बेटी के लिए 5,000 रुपया 5 वर्ष के लिए प्रति, है ना। सांकेतिक बाल विकास योजना अभी जस्ट आपको कराया। घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए उद्देश्य से ऐसी कौन सी योजना प्रारंभ किया गया जनवरी 2015 में? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। निम्न में से किस योजना के तहत 1,500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती है? तो जो 1,500 रुपये दिया जा रहा है ना, वो राज्य के तौर पर जननी सुरक्षा योजना। चलिए देखते हैं, निम्न में से किस कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? जब एक निषेचित अंडे को 2 भाग में विभाजन हो तथा दोनों भाग अलग अलग हो जाएं, वहाँ पर जुड़वा बच्चे होते हैं। गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा एक रक्त और तत्व की जांच की जाती है, जो बहुत ही आरएच कारक जांच है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा। लिंगी जनन में अलिंगी जनन की स्थापना को क्या कहा जाता है? अपोमेक्सिस। मनुष्यों में लिंग संघनन लक्षणों को वंशित मुख्यता होती है एक्स गुणसूत्र से। निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? कलर ब्लाइंडनेस। रक्त का थक्कर नहीं जमता किसमें? हीमोफीलिया। रक्त का जो थप्पा होता है ना, हीमोफीलिया में। कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया। दमा श्वास रोग है, इनमें कौन सा कारक है? फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे पोलियो वायरस वाला, ठीक है। पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण से। तो टोटल हमने आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं पार्ट 1 में, अभ्यास 1 में, है ना। तो महिला एवं बाल विकास के विभिन्न योजनाओं से देख लिए हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो हम लेकर आएंगे, अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे, है ना। तो चलिए, आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है 51 का, इसके बाद टोटल फिर 100 क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, इंतज़ार करते रहिएगा, हम लेकर जरूर आएंगे।